तो गाइस जियो ने यहाँ पे प्राइस हाइक कर दिया। मैं चलिए डिटेल्स बताता हूँ, आप स्क्रीन पे देखते जो सारे जो डिटेल्स मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, अब पूरा जो डिटेल्स वो यहाँ पे देखते जाना स्क्रीन पे। सॉरी दोस्तों इतना जल्दी हम लोग यहाँ पे वीडियो बना रहे हैं क्योंकि इतना जल्दी यहाँ पे जियो ने प्राइस हाइक कर दिया, इसलिए ये वीडियो आप सबके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पूरा जो डिटेल है वो स्क्रीन पे आप देखते जाना, सारे जो प्लान से मैं बताऊंगा, तो पूरा वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखना। तो दोस्तों क्या आप यहाँ पे अनलिमिटेड 5G जो है वो नहीं मिलेगा? चलिए मैं आज के इस वीडियो में सब कुछ यहाँ पे बताऊंगा। भाई काफ़ी जल्दी मैं यहाँ पे मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आप सब माफ़ कर देना अगर कोई भी यहाँ पे मिस्टेक होती है वीडियो में। तो सबसे पहले यहाँ पे न्यू प्लान्स कौन से, चलिए मैं बताता हूँ यहाँ पे न्यू प्लान्स के साथ में क्या क्या नया सर्विस आपको देखने को मिलेगा, सब बताऊंगा आज वीडियो के अंदर। तो यहाँ पे पता नहीं भाई क्या हो गया जियो को, मतलब हमेशा यहाँ पे एयरटेल या फिर वीआई पहले प्राइस हाइक करते थे, बट इस टाइम जियो ने यहाँ पे प्राइस हाइक कर दिया है। तो चलिए यहाँ पे प्लान्स का लिस्ट मेरे पास आ चुका है, चलिए प्लान्स देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे पॉपुलर प्लान्स जो है जियो ने यहाँ पे डिस्प्ले कर दिए। तो चलिए एक एक करके यहाँ पे सारे जो प्लान्स है उनके बारे में मैं बताता हूँ कौन से प्लान्स का जो है प्राइस हाइक है वो यहाँ पे हुआ है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो 155 का जो प्लान हमको देखने को मिलता था, यानी कि पहले जो 155 का जो प्लान था सिर्फ कॉलिंग के लिए काफी लोग यहाँ पे यूज करते थे, जिसके अंदर 2GB डेटा मिलता था, और वो जो प्लान का जो प्राइस हाइक होकर 189 रुपीज हो चुका है, यानी कि 155 से अब 190 रुपीज का ये प्लान जो है हो चुका है। सेम मिलेगी सब कुछ, यानी कि सब 28 दिन की वैलिडिटी मिलेगी, 2GB डेटा भी मिलेगा, बट प्लान जो है 190 रुपए का हो गया अब जो 155 का था, अब ध्यान से देख लो। और दूसरे प्लान की बात की तो वो है 209 रुपए वाला प्लान जिसमें आपको 1GB डेटा देखने को मिलता था, अब ये जो प्लान है 249 का हो चुका है। तीसरा प्लान है 239 का, सबसे पॉपुलर प्लान जिसमें 1.5GB डेटा मिलता था वो भी 28 दिन वाला, अब ये प्लान भी 300 रुपए के पास पहुंच चुका है। और इसके बाद बात करें भाई 299 का प्लान आता है जिसके अंदर 2GB डेटा हमको देखने को मिलता था हर दिन का, वो भी 28 दिन वाला, अभी इसका जो प्राइस है वो भी बढ़ के 350 रुपए हो चुका है, यानी 349। यानी देखते हो तो एक तरीके से तो यहाँ पे 50 रुपए का इंक्रीजमेंट यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और साथ में और भी काफी सारे यहाँ पे प्लान है। यहाँ पे 349 वाला आपको प्लान देखने को मिलता था जिसके अंदर 2.5GB का डेटा मिलता था, अब ये जो प्लान है इसका भी प्राइस हाइक होके यहाँ पे इसका जो प्राइस है वो है 399 कर दिया गया, यानी कि 400 रुपए इसका भी प्राइस हो चुका है। उसके बाद बात करें यहाँ पे 399 का एक प्लान देखने को मिलता था जिसके अंदर 3GB डेटा हर रोज का मिलता था, अब ये जो प्लान है यहाँ पे ये प्लान का भी प्राइस हो चुका है 449 रुपीज, यानी कि आप सीधा सीधा देख लो यहाँ पे कितना ज्यादा महंगा हो चुका है। मानी हर प्लान के अंदर यहाँ पे कुछ ना कुछ 40 से लेकर 50 रुपए तक की प्राइस हाइक है वो यहाँ पे कर दी गई है। बाकी दोस्तों यहाँ पे और प्लान की बात करें यहाँ पे जो है 2 महीने वाले प्लान की, यानी कि 479 रुपीज में 1.5GB डेटा जो 2 महीने के लिए मिलता था, यानी कि 56 डेज के लिए, उसका जो प्राइस है 479 से 579 हो चुका है, मतलब सीधा सीधा 100 रुपए यहाँ पे प्राइस है कि यहाँ पे हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे बात करें एक और प्लान की तो 2 महीने वाला वो है 533 रुपीज का, जिसके अंदर 2GB डेटा हर रोज का मिलता था 56 दिनों के लिए, इसका भी जो प्राइस है 533 से यहाँ पे 629 हो चुका है, इसका भी प्राइस यहाँ पे पूरा 100 रुपए यहाँ पे बढ़ चुका है। बाकी 3 महीने वाले की बात की जाए, 3 महीने वाले प्लान की जो सबसे पॉपुलर प्लान था उसमें जो है 395 वाला, जिसके अंदर हमको अनलिमिटेड 5G डेटा देखने को मिलता था, ये जो प्लान था सिर्फ कॉलिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर प्लान था, जिसके अंदर हमको 8GB डेटा, सॉरी 8 नहीं यहाँ पे 6GB डेटा हमको देखने को मिलता था 84 डेज के लिए, इसका भी जो प्राइस है कि वो है 395 से यहाँ पे आप देख सकते हो 479 हो चुका है, इसका भी 80 रुपये तक का यहाँ पे प्राइस है कि यहाँ पे हो चुका है। और साथ में और भी प्लान से आप यहाँ पे देखते जाओ, यहाँ पे मतलब काफ़ी सारे यहाँ पे प्लान है। साथ में डेटा एड ऑन प्लान की बात की जाए, जो 15 रुपये का हमको 1GB डेटा मिलता था, अब वो 19 रुपये का हो चुका है, यानी जैसे एयरटेल और वीआई का यहाँ पे 1GB डेटा मिलता है 19 रुपये का, वैसा अब जियो का भी 19 रुपये का 1GB डेटा प्लान आपको देखने को मिल रहा है। बाकी 25 वाला अब हो चुका है 29 का, 61 वाला हो चुका है 69 का, तो ये सब आप देख लो। बाकी यहाँ पे मेन चीज की बात की जाए अनलिमिटेड 5G वर्क करेगा कि नहीं, तो यहाँ पे जो अनलिमिटेड 5G है वो वर्क करेगा, लेकिन यहाँ पे एक शर्त है, यहाँ पे जो अनलिमिटेड 5G जो है अब 1GB डेटा वाले प्लान के साथ वर्क नहीं करेगा, अब सिर्फ आपको यहाँ पे 2GB डेटा हर रोज का प्लान के साथ आपको रिचार्ज करना पड़ेगा, तभी जाके आपका जो अनलिमिटेड 5G है वो यहाँ पे वर्क करेगा। यानी कि आप जब तक यहाँ पे 2GB डेटा वाला कोई भी प्लान रिचार्ज नहीं करवाते, अब जो मिनिमम 2GB डेटा वाला प्लान है वो है 349 रुपीज का, पहले ये प्लान जो था 299 का था जिसके अंदर 2GB डेटा आपको देखने को मिलता था, अब हो चुका 349 का। तो ये जो प्लान है आपको रिचार्ज करवाना ही पड़ेगा अगर आपको अनलिमिटेड डेटा यूज करना है, तो मतलब इसके बिना आप नहीं कर सकते। और बात करें तो यहाँ पे कुछ नया सर्विस देखने को मिल रहा है जियो की तरफ से, ये सारे मैं नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पे कवर कर दूंगा। उसके पहले बता दूं अगर आप ये सब नहीं यूज करना चाहते, यानी कि इतना महंगा प्लान नहीं यूज करना चाहते, तभी 3 जुलाई तक का टाइम है, तब तक आप जाके कोई भी रिचार्ज कर सकते हो, जो सस्ते वाले अभी जो प्लान्स हैं उनमें से आप कोई भी रिचार्ज अभी जाके करवा सकते हो,
यानी कि 3 यहाँ पे 395 का 3 महीने वाला प्लान आप रिचार्ज करवा कर रख सकते हो, क्योंकि अभी 3 जुलाई तक आपका टाइम है यहाँ पे। तो जितने भी लोग यहाँ पे 3 जुलाई के पहले वीडियो देख रहे हो, तो अपना जो रिचार्ज है वो जल्दी से जल्दी करवा लो सस्ते वाले प्लान का रिचार्ज, वरना प्लान जो है महंगे हो जाएंगे काफी जल्दी। और भी कुछ डाउट हो तो भाई कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर देना। तो यही थी आज की वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। चलिए मिलते हैं कौन मेरे साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।